तो दोस्तों अभी बात करें पाटलिपुत्र पटना के सभी कॉलेज की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो गई, एक एक करके जारी किया जा रहा है। बात करेंगे ए बी सी आई डी को लेकर के, ये नोटिस है बीडी कॉलेज पटना की तरफ से कि सभी यूजी व पीजी स्नातक स्नातकोत्तर के में नामांकित जिनका हुआ है नामांकन हुआ है छात्र छात्रों को सूचीकृत जाता है कि आपको अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट ए बी सी पर अपना अकाउंट 7 सितंबर तक यहाँ पर बनाकर कॉलेज को गूगल फॉर्म भरकर दोस्तों सूचित आपको करना है, ठीक है। अन्यथा छात्रों का अंक बात करें मार्क्सशीट यहाँ पर ये सब निर्गत नहीं किया जाएगा और छात्रों का सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म ए बी सी आई डी के बिना नहीं भरा जाएगा। ध्यान दीजिए ए बी सी का बनाने के लिए दोस्तों ये वेबसाइट यहाँ पर और हमने बताया था, फुल वीडियो आपने चेकआउट किया हुआ नहीं किया तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देंगे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। ए बी सी आई डी बनाने के बाद क्या करना है, गूगल फॉर्म पर आपको भरना है ताकि छात्र का आई डी महाविद्यालय को मिल जाएगा, बताना है कि आपने बना लिया है आई डी डाल करके। तो मैं शॉर्ट पे बताऊँ तो करना क्या है, बनाने के रजिस्टर कैसे करोगे, यहाँ पर अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट्स के लिए डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल कर लोगे, इसके बाद डिजी लॉकर इंस्टॉल करने के बाद साइनअप कर लोगे, साइनअप दोस्तों हो गया फिर साइन इन कर लीजिए। इसके बाद बात करें यहाँ पर आपको साइन इन हो गया है तो अपना मोबाइल नंबर पहले डालिएगा, आधार नंबर, बात करें यहाँ पर फिर ओ टी पी आएगा इस्तेमाल नंबर पर, फिर सबमिट पर क्लिक करोगे, फिर डॉक्यूमेंट सर्च कर लोगे, फिर एजुकेशन कैटेगरी पर क्लिक करोगे, फिर सेलेक्ट और सर्च करोगे अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट्स, देन सेलेक्ट करके अपना यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशन का नाम और क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया दोस्तों यहाँ पर करनी है, ये सब काम आपको करनी है, आपका ए बी सी का आई डी कार्ड बन जाएगा। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे वीडियो का लिंक यहाँ पर हमने यहाँ पे डाल दिया, आपको हमें उसके लिए टेलीग्राम से पढ़ा जो टेलीग्राम से चैट प्रोसेस में दिया हुआ है, तो दोस्तों आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर हमें लिंक डाला है, देखो यहाँ पर और दोस्तों हल्का ऊपर यहाँ पर आओ दोस्तों और आओ तो हल्का ऊपर जाइए दोस्तों, ये यहाँ पर देख पा रहे रजिस्टर कैसे करनी है, क्या डिटेल सब बताइए, देखो ए बी सी आई डी क्या होता है, ए बी सी कैसे बनाना है। तो चलो इस वीडियो को मैं यहाँ पे पिन है, मैंने पिन भी कर दिया। तो अजी दोस्तों बात करें पाटलिपुत्र पटना के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहे कोई भी सेक्शन से हो उसके जाता है कि आप सभी को ए बी सी कार्ड यहाँ पर बनाना अनिवार्य है, वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, लिंक के माध्यम से बना सकते हैं, हमने फुल वीडियो बना दिया, चेकआउट कर लेना। कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं रखना है और ए बी सी कार्ड बनाने के बाद आपको गूगल फॉर्म डिटेल भरना है, गूगल फॉर्म का लिंक दोस्तों ने यहाँ पे दे दिया, इस पर क्लिक करो। वो पहले हमने दिखाया था वो डी पी एस कॉलेज का था, ये आप सभी का है ए बी सी आई डी कार्ड देख पा रहे पाटलिपुत्र पटना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले रिकॉर्ड दे दोगे कि आप ही का ईमेल आईडी है, अपना नेम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना कॉलेज का नाम दोस्तों यहाँ डाल दोगे, फिर मोबाइल नंबर, फिर ए बी सी दोस्तों अपार आई डी और सबमिट पर से आप वो कर दीजिए, इतना सा काम करनी है अपार आई डी बनाने के बाद, जिससे कि आपको कॉलेज को मिल जाएगा आपका ए बी सी आई डी और आप अपना सेमेस्टर फॉर एग्जाम फॉर्म भर पाओगे। तो ये थी अपडेट, वीडियो को लाइक करिए, आगे भी इस पान के चैनल से बने रहिए।